खबर है ब्रह्मपुरी तहसील से, जहां ब्रह्मपुरी पुलिस ने नाकाबंदी कर 5,50,000 की अवैध देसी शराब जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंद्रपुर जिले में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इस संबंध में जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन युद्ध स्तर पर इसको रोकने के उपाय योजना में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिले में शराबबंदी होने के बावजूद शराब तस्करी को अंजाम देने में लगे हुए हैं और पुलिस उनके मंसूबे पर पानी फेर रही है। और इसी की पार्श्वभूमि पर 11 मई को ब्रह्मपुरी पुलिस ने उप विभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में मुखबिरों की जानकारी पर मौजा बेटाड़ा फाटा पर नाकाबंदी कर एक कार से अवैध देशी शराब जब्त की, जिसकी कीमत 2,00,000 रुपया तथा तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद रंग की हुंडई वरना कार क्रमांक MH 34K 8885, जिसकी अंदाजन कीमत 5,50,000 रुपया, ऐसा कुल मिलाकर 7,50,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। यह कार्रवाई थानेदार मल्लिकार्जुन इंगड़े के साथ उनकी टीम के अन्य सदस्य मुकेश गजबे, अमोल गिरटकर, विजय मैन, अजय कटाई, अजय नागो से, अमोल ठेंगरी, शुभांगी शेम लेने अंजाम दिया।